अगर उनकी रिमांड नहीं है, कोर्ट पर जब पेश किया गया है तो पुलिस की तरफ से क्या क्या रिकवरी की गई? देखिए, इसमें जो यहाँ ये साक्षी हत्याकांड कहें तो उसमें जो एक्यूज साहिल है उसको कल अरेस्ट कर लिया गया था बुलंदशहर से और आज उसको कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद दो दिन की उसको पुलिस कस्टडी मिली है जिसमें हम इन्वेस्टिगेशन के लिए डिफरेंट पहलू जो होते हैं, अलग अलग पहलू, उसके ऊपर उसके साथ पूछताछ करेंगे और जो एविडेंस है उसको रिकवर कर रहे हैं। मैम, अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या निकला है, क्योंकि वो बुलंदशहर फरार हो गया? बिल्कुल, वह बुलंदशहर फरार हो गया था तो हमारी टीम है वहां से अरेस्ट करी लाई है, लेकिन केस एक्टिव इन्वेस्टिगेशन में है। कुछ एविडेंस हम कलेक्ट कर चुके हैं, रिकवर कर चुके हैं और बाकी के लिए ही हमने उसका पुलिस रिमांड लिया है और इस दौरान इन दो दिनों में हम और एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं, कैसे, क्यों, कब, कहां, तो हर पहलू के ऊपर जांच चल रही है। धन्यवाद। मैम, आखिर ऐसी जानकारी मिली है कि हथियार उसने पहले से खरीद लिया था, इस बारे में क्या जानकारी? देखिए, अभी एक्टिव इन्वेस्टिगेशन में है केस, तो अभी इसके ऊपर कुछ भी कमेंट करना मेरे लिए वाजिब नहीं होगा। तो अभी जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी तब हम इसका अपडेट देंगे। धन्यवाद।